Hello, good morning all of you. How are you? I hope you will be fine at your home. Today we will discuss about moving coil galvanometer and the sensitivity of moving coil galvanometer. So let us start. What is moving coil galvanometer? होता क्या है ये? It is an instrument. एक instrument होता है ये. A moving coil galvanometer is an instrument which is used to measure electric current. इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस इट यूजेज अ मैग्नेटिक फील्ड विच कैन मेजर अ लो करेंट्स, जो कि बहुत लो करंट को मेजर कर सकता है, इवन इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर. माइक्रो मीन्स 10^-6 म्यू, है ना, 10^-6 एम्पियर्स को ये मेजर कर सकता है. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड सेकंड इज पाइवोटेड कॉइल और वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर. प्रिंसिपल क्या है देख लेते हैं एक बार. द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल. एक रेक्टेंगुलर कॉइल से बना हुआ होता है दैट हैज मैनी टर्न्स. उसके अंदर बहुत सारे टर्न्स होते हैं वायर के. एंड इट इज यूजली मेड अप ऑफ थिनली इंसुलेटेड फॉर अ फाइन कॉपर वायर. इंसुलेटेड होता है आपस में कॉपर वायर, समझिए प्लास्टिक रैप होती है उसके ऊपर. दैट इज़ वाउंडेड ऑन अ मेटेलिक फ्रेम. एक मेटेलिक फ्रेम में वो वाउंड होता है, मीन्स राउंड होता है, मीन्स फिक्स होता है. द कॉइल इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. अगर वो सस्पेंडेड है तो वो फ्री एक्सिस से रोटेट करेगा. अ फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप दैट इज कनेक्टेड टू अ मूवेबल टॉर्जन हेड. एक टॉर्जन हेड है, वो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप होती है पतली सी, वो टॉर्जन हेड से कनेक्टेड होती है टू यूज सस्पेंड द कॉइल इन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. कहाँ पर उसे रखते हैं? यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में. मटेरियल यूज फॉर सस्पेंशन ऑफ द कॉइल आर कंडक्टिविटी एंड लो वैल्यू ऑफ टॉर्जन कॉन्स्टेंट. जो उसकी वैल्यू होती है कंडक्टिविटी की लो होती है, और टॉर्जन वैल्यू लो होती है, टॉर्जन कांस्टेंट लो होता है. टॉर्जन मींस टॉर्क अप्लाइड, जो घूमेगा वो. नाउ ए सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इज सिमेट्रिकली पोजीशन इनसाइड द कॉइल. एक सिलेंड्रिकल कॉइल है, वो सिमेट्रिकली है इनसाइड द कॉइल टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए एंड टू मेक द फील्ड रेडियल. अब रेडियल क्या होते हैं बताएंगे. द लोअर पार्ट ऑफ द कॉइल इज अटैच टू अ फॉस्फोरस ब्रॉन्च. फॉस्फोरस ब्रॉन्च से कनेक्ट होता है द स्प्रिंग हैविंग अ स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स, जिसके कि नंबर ऑफ टर्न्स बहुत स्मॉल होते हैं. द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द बाइंडिंग स्क्रू. और दूसरा एंड होता है बाइंडिंग स्क्रू से. ऊपर देख सकते हैं फॉस्फोरस ब्रॉन्च की स्ट्रिप है, ये मिरर है, मूविंग कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ, और नीचे ये लोअर सस्पेंशन स्प्रिंग है. देन उसके बाद ये मूविंग कॉइल है और ये नॉर्थ साउथ फिर से परमानेंट मैग्नेट है. ओके, नाउ द स्प्रिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ काउंटर टॉर्क. स्प्रिंग किस लिए यूज़ करते हैं? काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए. किसमें? विच बैलेंस द मैग्नेटिक टॉर्क. अब मैग्नेटिक टॉर्क को बैलेंस करने के लिए. एंड हैंस हेल्प इन प्रोड्यूसिंग स्टडी एंगुलर डिफ्लेक्शन. स्टडी मीन्स धीरे धीरे जो एंगुलर डिफ्लेक्शन होता है उसके लिए. अ प्लेन मिरर विच इज़ अटैच्ड टू सस्पेंशन वायर. सस्पेंशन वायर के ऊपर अटैच्ड होता है अलॉन्ग विद लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट इज यूज टू मेजर द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल. ये किस लिए अरेंज किए जाते हैं? डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल के लिए, टू मेजर द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल फ्रॉम द जीरो पॉइंट ऑफ द स्केल एज एट द सेंटर से. नाउ वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. वर्किंग क्या है? लेट अ करेंट आई फ्लो थ्रू द रेक्टेंगुलर कॉइल, मान लीजिए, ठीक है, ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, जिसके एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं. क्रॉस सेक्शन ले लीजिए जिसका ए है. व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बी. अब एक मैग्नेटिक फील्ड है बी. द कॉइल एक्सपीरियंस अ टॉर्क. जो कॉइल होगी वो इट इज़ अबाउट टू रोटेट, और उसको बोलते हैं टॉर्क अचीव करना. लेट अस कंसिडर अ सिंगल सेकेंड पॉइंट बता रहा हूँ मैं. लेट अस कंसिडर अ सिंगल टर्न ए बी सी डी. ए की टर्न मान लीजिए ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग अ लेंथ एंड ब्रेथ. एल लेंथ है और बी ब्रेथ है. दिस सस्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी. जो कि कहाँ पर सस्पेंड है?
मैग्नेटिक फील्ड बी स्ट्रेंथ है उसकी सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो प्लेन है वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है सिंस द साइड्स ए बी एंड डी सी आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो साइड आप देख रहे हैं ए बी एंड सी डी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ओके ऊपर वाला ए बी एंड सी डी, ओके सो दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी इफेक्टिव फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है इसका थीटा इज़ इक्वल टू जीरो, सो नेट फोर्स इसमें कहाँ लगेगी जीरो लगेगी। हमने पिछली बार भी बताया था द साइड्स ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी ब्रिंग्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर ए डी और बी सी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है साइड, तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा फोर्स कितनी हो जाएगी बी आई एल और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अब देख लीजिए ये कॉयल है और एक पैरेलल ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और जो कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कौन सा बी सी एंड ए डी। तो ये ए यहाँ से और बी ऊपर से ये इस तरीके से मूव करा रहे हैं यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को वी कैन डिटरमाइन द फोर्स ऑन ए डी एंड बी सी जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है टू ईच अदर एंड अपोजिट आर कॉल्ड कपल। एक कपल एक्ट कर रहा है एक्ट एज अ कॉइल सो इट प्रोड्यूस अ टॉर्क। हमने टॉर्क वाले डेरिवेशन में किया था दिस टॉर्क कजेस द कॉइल टू डिफ्लेक्ट, और इसकी वजह से इस टॉर्क की वजह से कॉइल क्या करेगा डिफ्लेक्ट करेगा। वी नो दैट द फोर्स टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो एफ इनटू बी, बी क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बिटवीन द टू फोर्सेस। ऊपर देखिए सेकंड वाला डायग्राम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इफ ऑलरेडी नो एफ की वैल्यू क्या होती है बी आई एल, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो गया बी आई एल इनटू बी वेयर एल इनटू बी इज द एरिया, एरिया हो गया ऑफ द कॉइल। हैंस द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन टर्न्स, एन टर्न्स के लिए हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी, ओके दिस इज द डेरिवेशन। नाउ द मैग्नेटिक टॉर्क दस प्रोड्यूस कजेस द कॉइल टू रोटेट, जो मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से कॉइल क्या करेगी रोटेट करेगी। एंड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन घूमेगी इन टर्न्स द स्प्रिंग अटैच टू द कॉइल, नीचे जो स्प्रिंग है तो काउंटर टॉर्क करेगी रिस्टोरिंग अ टॉर्क के थीटा, यानी ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो हमने स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आप 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, विच रिजल्ट इन स्टडी एंगुलर डिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से एक एंगुलर डिफ्लेक्शन होता है मीन्स एक सर्कुलर डायरेक्शन में अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो के थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है व्हेन द नेट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो ऑन अप्लाइंग सिस्टम। तो के थीटा यहाँ पर एन आई ए बी अगर इक्विलिब्रियम में है, हेयर के इज अ कॉल्ड ऑफ टॉर्जनल कॉन्स्टेंट, के इज टॉर्जनल कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। ये क्या है रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि एन ए बी के आई, तो एन ए बी के ये क्या है कॉन्स्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो मतलब जितना ज़्यादा थीटा रोटेट करेगा उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा और उतना ज़्यादा वो मेज़र करेगा, है ना। सो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ कंक्लूजन ये निकलता है कि जितना ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा करंट वो मेज़र करेगा, ओके। नाउ द सेकंड पॉइंट इसी में आ जाता है सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। द जनरल डेफिनेशन ऑफ द सेंसिटिविटी एक्सपीरियंस बाय मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर गिवन बाय मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिफ्लेक्शन यानी डी थीटा ओवर चेंज इन लेंथ, सॉरी चेंज इन करेंट डी आई, ये डी आई है डी एल नहीं है, ओके। सो एस इज इक्वल्स टू सेंसिटिविटी है चेंज इन एंगुलर डिफ्लेक्शन अपॉन चेंज इन करेंट। नाउ द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज हाइयर, अगर सेंसिटिविटी कब हाइयर होगी इफ द इंस्ट्रूमेंट शोज लार्जर डिफ्लेक्शन, यानी थीटा ज़्यादा डिफ्लेक्ट है थीटा की वैल्यू ज़्यादा हो, है ना। फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करेंट सेंसिटिविटी ऑफ टू टाइप नेमली करेंट, अगर सेंसिटिविटी कम है उसकी तो टू टाइप की यहाँ पर सेंसिटिविटी हैं करेंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। नाउ करेंट सेंसिटिविटी
द डिफ्लेक्शन थीटा पर यूनिट करंट आई इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी, थीटा अपॉन आई, करंट सेंसिटिविटी थीटा क्या होता है, थीटा पर यूनिट लेंथ यानी थीटा अपॉन आई इज़ इक्वल टू ये होता है हमारा एन ए बी अपॉन के, दिस इज द करंट सेंसिटिविटी। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज व्हाट, द डिफ्लेक्शन थीटा पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी, थीटा अपॉन वी। तो थीटा इज़ इक्वल टू हो गया एन ए बी अपॉन के आई, तो थीटा अपॉन बी हो जाएगा एन ए बी अपॉन वी के आई, विच इज इक्वल टू हमारा आ गया एन ए बी के आई अपॉन वी हो जाएगा वन अपॉन आर, वेयर आर स्टैंड फॉर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सेंसिटिविटी। अब कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल पर यूनिट ट्विस्ट यानी के एन ए बी। सो दिस इज द केस ऑफ सेंसिटिविटी। सो थैंक यू वेरी मच।